सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। तो गाइज, जैसे कि तुम लोग को पता है, पोकेमॉन वर्ल्ड में बहुत सारे लेजेंडरी पोकेमॉन्स एग्जिस्ट करते हैं। तो यार, आज मैं उन्हीं में से टॉप 50 लेजेंडरी पोकेमॉन्स को रैंक करने वाला हूँ। और यार, मैं पहले ही बता दूँ, ये पूरी तरीके से मेरा ओपिनियन है। तो यार, अगर तुम लोग मेरी लिस्ट से अग्री नहीं करते तो अपनी लिस्ट मुझे कमेंट्स में लिख के ज़रूर बताना, काफ़ी मज़ा आएगा मुझे जानने में। तो चलो फिर यार, बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 50 पर आता है अब तक का सबसे ज़्यादा वीक लेजेंडरी पोकेमॉन, यानी कि हाँ यार, मैं बात कर रहा हूँ कॉस्मोग के बारे में। कॉस्मोग इवॉल्व होता है सोलगैलियो में, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन है। लेकिन यार, अपने फर्स्ट स्टेज में कॉस्मोग जो है वो लिटरली मैजिकार्प से भी ज़्यादा वीक है, जो कि यार बिल्कुल लेजेंडरी पोकेमॉन के नाम पर एकदम धब्बा है। नंबर 49 पर आता है कॉस्मोइम पोकेमॉन। ये कॉस्मोग का एवोल्यूशन है और कॉस्मोग की तरह ये भी एकदम बेकार पोकेमॉन है। नंबर 48 क्रिसेलिया पोकेमॉन। क्रिसेलिया का डिज़ाइन देखा जाए तो यार काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, लेकिन यार पावर वगैरह इस पोकेमॉन में कुछ खास अच्छी है नहीं, और ना ही इसके स्टैट्स उतने ज़्यादा अच्छे हैं। नंबर 47 रेजी रॉक। तो यार, ये टाइटन ट्रायो का एक मेंबर है और मेरे अकॉर्डिंग तो यार पूरे टाइटन ट्रायो में ये सबसे ज़्यादा वीक है। और यार, एनिमे में इसको स्ट्रॉन्ग दिखाया गया है, लेकिन उतना ज़्यादा भी नहीं कि एक लेजेंडरी पोकेमॉन वाली फील आए। नंबर 46 टाइपनल। इस पोकेमॉन को तुम लोग जानते ही होगे, ये अलोला का एक लेजेंडरी पोकेमॉन है। इस पोकेमॉन का डिज़ाइन भी काफ़ी ज़्यादा बेकार है और ना ही ये उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए लिस्ट में थोड़ा नीचे आता है। नंबर 45 हीटरैन। हीटरैन यार देखा जाए तो बाकी लेजेंडरीज के मुकाबले उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और ना ही इसको कैच करना बहुत ज़्यादा हार्ड है। मांगा और एनिमे दोनों में ही हमने काफ़ी ट्रेनर्स के पास इसको देखा है, तो इससे तुम लोग समझ सकते हो हीटरैन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है। नंबर 44 रेजी आइस। तो एनिमे में तुमने इसकी और पिकाचू की बैटल देखी होगी यार, काफ़ी मस्त थी, लेकिन यार लिस्ट में जो बाकी लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं उनके मुकाबले काफ़ी वीक है। नंबर 43 रेजी स्टील। तो ये भी टाइटन ट्रायो का थर्ड मेंबर है और यार ये भी बाकी दो की तरह उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। एनिमे में यार हमने देखा था एश के टॉरकोल ने ऑलमोस्ट हरा दिया था रेजी स्टील को, तो यार तुम लोग समझ जाओ ये भी कुछ खास स्ट्रॉन्ग नहीं है। नंबर 42 41 40 और 39। तो यार, इन चारों रैंक्स पर आता है यूनोवा का लेजेंडरी पोकेमॉन ग्रुप, यानी कि स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस। स्वॉर्ड ऑफ जस्टिस के मेंबर्स हैं टेराकॉइन, कोबैलियन, केल्डियो और विरिजियन। ये चारों लेजेंडरी पोकेमॉन्स यार अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग हैं, लेकिन बाकियों के कंपैरिजन में देखा जाए तो यार ये लिस्ट में इतना ही डिजर्व करते हैं, इससे ज़्यादा ऊपर नहीं आ सकते ये। नंबर 38, नंबर 37 और नंबर 36। इस पे आता है यूनोवा का एक और लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रायो, जो कि है फोर्सेस ऑफ नेचर। इस पे तीन पोकेमॉन्स आते हैं, थंडरस, टॉर्नेडस, लैंडोरस। ये तीनों यार काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और लेजेंडरी वाली वाइब्स भी देते हैं। इनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, ओवरऑल ये अच्छे पोकेमॉन्स हैं तीनों। नंबर 35 सिल्वेली। तो ये टाइपनल का एवोल्यूशन है और टाइपनल के मुकाबले देखें तो ये काफ़ी अच्छा और स्ट्रॉन्ग है। इसको यार हम सब लोगों ने अलोला में ग्लैडियन के पास देखा होगा, तुम लोग को एकदम अच्छे से याद होगा ये। ये यार बहुत ज़्यादा हाई लेवल लेजेंडरी पोकेमॉन नहीं है, पर मतलब ठीक है, स्ट्रॉन्ग भी है, डिज़ाइन भी ठीक है, तो इसी वजह से नंबर 35 पे आता है। नंबर 34 सुईकून। सुईकून जोटो का एक लेजेंडरी पोकेमॉन है और जोटो का जो लेजेंडरी ट्रायो है उसका एक मेंबर है। सुईकून का डिज़ाइन एकदम ऑसम है और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी है, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग ये बाकी दोनों लेजेंडरी बीच से थोड़ा वीक है। नंबर 33, नंबर 32 और नंबर 31 लेक गार्डियंस। तो लेक गार्डियंस तुम लोग को पता ही होगा, ये सिनो का एक लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रायो है। इसके तीनों मेंबर्स का नाम है एजेल्फ, युक्सी और मेस्प्रिट। ये तीनों ही काफ़ी अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग है और इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा रेयर भी है, इनको देखना काफ़ी बड़ी बात होती है। नंबर 30, नंबर 29 और नंबर 28। तो इन तीनों रैंक्स पर आता है हमारा कैंटो का लेजेंडरी पोकेमॉन ट्रायो, यानी कि जैपडोस, आर्टिकुनो और मॉल्ट्रेस। ये तीनों यार हमको जनरेशन वन यानी कि काफ़ी टाइम पहले इंट्रोड्यूस कराए गए थे, लेकिन यार अभी तक ये फैंस को बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि यार ये तीनों काफ़ी ऑसम लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं और यार ये तीनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग भी हैं, तो इसीलिए ये लिस्ट में इतना तो आराम से डिजर्व करते हैं। नंबर 27 रेजिगिगस। तो यार तुम लोग इसको जो टाइटन ट्रायो है उसका बॉस कह सकते हो। रेजिगिगस ने बाकी तीनों रेजी पोकेमॉन्स को बनाया था और ये ऑब्वियसली उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और ये काफ़ी अच्छा है। नंबर 26, नंबर 25 और नंबर 24 गलारियन लेजेंडरी बर्ड्स। तो यार ये तीनों हमारे कैंटो के लेजेंडरी बर्ड्स का गलारियन फॉर्म है और यार तुम लोग तीनों का डिज़ाइन देख सकते हो, कितना गजब लग रहा है। जेन वन वाला जो डिज़ाइन है वो भी काफ़ी अच्छा है, लेकिन यार ये जो गलारियन वाला डिज़ाइन है इसकी बात ही अलग है, ये बहुत ज़्यादा कूल है। इसके अलावा यार मेरे हिसाब से इन तीनों का जो गलारियन फॉर्म है वो इनके कैंटो फॉर्म से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, इसीलिए मैंने इन तीनों को लिस्ट में ऊपर रखा है उनसे। नंबर 23, नंबर 22 और नंबर 21 टापू बुलू, टापू लिली और टापू फिनी। तो यार ये तीनों जो टापू पोकेमॉन्स है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है,
इनकी पावर्स भी यार काफ़ी सही हैं, हालांकि इनका जो डिज़ाइन है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं पसंद। नंबर 20 टापू कोको। तो ये जो टापू वाला ग्रुप है इसका जो लीडर है ये है हमारा टापू कोको, और ऑब्वियसली यार बॉस है तो ये पिछले वाले तीनों से ज़्यादा ही स्ट्रांग है। तो हाँ यार टापू कोको भी काफ़ी स्ट्रांग है, हालांकि डिज़ाइन मुझे इसका भी बिल्कुल नहीं पसंद। इन सारे टापू पोकेमॉन्स का ही डिज़ाइन मेरे को एकदम वाहियात लगता है, इसी वजह से ये पोकेमॉन्स मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है। पर यार ये बात तो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, ये स्ट्रांग है। नंबर 19 और नंबर 18 जैशियन और जमेजेंटा। ये दोनों पोकेमॉन्स यार काफ़ी सही और काफ़ी स्ट्रांग पोकेमॉन है, और ये हमको गलार में इंट्रोड्यूस कराए गए थे। यार जब भी नया रीजन आता है हम लोग उसके लेजेंडरी पोकेमॉन्स को देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड होते हैं, ऐसे ही गलार में भी थे। और यार गलार के लेजेंडरीज भी काफ़ी सही निकले, जो कि जैशियन और जमेजेंटा हैं। एक का अटैकिंग डिज़ाइन है और एक का डिफेंसिव डिज़ाइन है। डिज़ाइन दोनों का यार बहुत ज़्यादा सही है, और पावर्स के मामले में भी यार कुछ कम नहीं है, दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग है और ये डिज़र्व करते हैं इतना रैंक। तो नंबर 17 और नंबर 16 लैटियाज और लैटियोज। ये दोनों यार दिखने में इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लगते, और शायद काफ़ी लोग इनको वीक लेजेंडरी पोकेमॉन्स मानते होंगे, पर यार ऐसा नहीं है, ये काफ़ी स्ट्रांग है। इनका डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, और ऊपर से ये नॉर्मल फॉर्म में इतने ज़्यादा स्ट्रांग है, तो भाई सोचो यार इनके पास मेगा एवोल्यूशन भी है, मेगा एवॉल्व होने के बाद ये और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाते हैं। नंबर 15 और नंबर 14 लूनाला और सोलगैलियो। तो ये दोनों अलोला के लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं और दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग हैं, लेकिन जो सोलगैलियो है वो लूनाला से थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है, इसी वजह से सोलगैलियो लूनाला से थोड़ा ऊपर आता है। नंबर 13 जर्नियस और येवेल्टल। ये दोनों कैलोस के लेजेंडरी पोकेमॉन्स हैं और भाई दोनों ही काफ़ी स्ट्रांग है। येवेल्टल जो है वो लोगों की लाइफ एनर्जी ले सकता है, और इसके अलावा जर्नियस जो है वो लोगों को लाइफ दे सकता है, मतलब एक बुरा है एक अच्छा, लेकिन यार दोनों ही स्ट्रांग काफ़ी ज़्यादा हैं, और मेरे ख्याल से ये इक्वली स्ट्रांग है। नंबर 12 ज़ाइगार्ड पोकेमॉन। तो भाई इसको भी जानते ही होगे तुम लोग, ये लेजेंडरी पोकेमॉन है कैलोस रीजन का, और यार ये भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, इसके पास काफ़ी सारे अलग अलग टाइप के फॉर्म्स हैं, और इसका जो कंप्लीट फॉर्म है वो तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। नंबर 11 हो पोकेमॉन। इसको भी यार तुम लोग एकदम अच्छे से जानते ही होगे, इसको भी यार आरसीएस की तरह एक गॉड पोकेमॉन कहा जाता है, मतलब ये पोकेमॉन वर्ल्ड का गॉड है तो नहीं, लेकिन यार इसका डिज़ाइन काफ़ी गॉड जैसा लगता है, और मतलब तुम कह सकते हो भाई काफ़ी स्ट्रांग भी है ये। नंबर 10 लूगिया। तो भाई लूगिया को भी तुम लोग एकदम अच्छे से जानते ही होगे, तुम लोगों ने इसको पोकेमॉन की सेकंड वाली मूवी में देखा होगा। लूगिया की यार जो पावर्स है वो एकदम अलग ही लेवल की है यार, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रांग पोकेमॉन है ये। नंबर 9 और नंबर 8 तो इस रैंक पर आते हैं जैक्रोम, क्यूरैम और रेशिरम। तो ये तीनों टाओ ट्रायो जो कि यूनोवा का एक लेजेंडरी ग्रुप है उसके मेंबर्स हैं, और भाई तीनों ही काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, लेकिन यार मेरे अकॉर्डिंग रेशिरम जो है थोड़ा ज़्यादा स्ट्रांग है बाकी दोनों के मुकाबले, इसीलिए रेशिरम नंबर 8 पर आता है और बाकी दोनों नंबर 9 पर। नंबर 7 पर आता है पालकिया। पालकिया को तुम लोग जानते ही होगे भाई, ये सिनो का क्रिएशन ट्रायो का एक मेंबर है, और इसके पास काफ़ी अच्छी पावर्स हैं, पूरे क्रिएशन ट्रायो के पास काफ़ी अच्छी पावर्स हैं, लेकिन मेरे हिसाब से भाई बाकी दोनों की जो पावर्स हैं वो पालकिया से ज़्यादा हैं और वो ज़्यादा अच्छे हैं, तो इसीलिए यार बाकी दोनों क्रिएशन ट्रायो के मेंबर के मुकाबले पालकिया को मैंने थोड़ा नीचे रखा है। नंबर 6 डियाल्गा। डियाल्गा कितना ज़्यादा स्ट्रांग है मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है भाई, बहुत ज़्यादा स्ट्रांग ड्रैगन और स्टील टाइप पोकेमॉन है ये, और इसके पास है भाई टाइम कंट्रोल करने की पावर, मतलब टाइम की पावर है यार डियाल्गा के पास, जो कि यार एक काफ़ी सही पावर होती है, मतलब टाइम ट्रैवल कर सकता है, टाइम को आगे पीछे कर सकता है, मतलब टाइम के साथ कुछ भी कर सकता है। तो यार डियाल्गा काफ़ी स्ट्रांग है और इसकी पावर्स भी काफ़ी अच्छी हैं, इसीलिए रैंक में इतना ऊपर आता है। नंबर 5 पर आता है गिरेटिना। तो अब ये क्रिएशन ट्रायो का थर्ड मेंबर है, और बाकी दोनों के मुकाबले थोड़ा इविल टाइप का है, लेकिन यार जो भी हो मेरे अकॉर्डिंग तो यही है कि यार गिरेटिना जो है वो पालकिया और डियाल्गा के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर तुम लोग को कुछ और लगता है तो कमेंट्स में बता सकते हो। नंबर 4 कायोगर। तो यार ये भी एक काफ़ी सही लेजेंडरी पोकेमॉन है, ये एक वाटर टाइप का लेजेंडरी पोकेमॉन है, और इससे हमको होएन में इंट्रोड्यूस कराया गया था। इसकी पावर का अंदाजा भी तुम लोग को होगा ही कि भाई कितना स्ट्रांग है कायोगर, स्टैट्स वगैरह भी बहुत ज़्यादा इंप्रेसिव है यार इस पोकेमॉन के। इसके अलावा इसके पास प्राइमल फॉर्म भी है, जिसमें आने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग बन जाता है, तो इसीलिए यार ये लिस्ट में इतना ज़्यादा ऊपर आता है। नंबर 3 ग्राउडॉन पोकेमॉन। तो ग्राउडॉन जो है वो कायोगर का काउंटर पार्ट है और इसका राइवल भी है, और यार इन दोनों की फाइट्स तुम लोगों ने देखी होंगी, कितना गजब लड़ते हैं यार दोनों, और दोनों की पावर लेवल कितनी ज़्यादा है उस टाइम पता चल जाता है। लेकिन यार मेरे हिसाब से ग्राउडॉन जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा स्ट्रांग है कायोगर से, हालांकि उसको टाइप डिसएडवांटेज है, फिर भी भाई मेरे हिसाब से तो यही है कि ग्राउडॉन थोड़ा ज़्यादा पावरफुल है। अब आते हैं नंबर 2 पर। नंबर 2 पर यार दो पोकेमॉन्स के बीच में टाई है, पहला है अटर्नेटस। तो यार ये काफ़ी स्ट्रांग लेजेंडरी पोकेमॉन है, और यार इसके अलावा इसके जो स्टैट्स हैं इटर्नमैक्स फॉर्म में इसके जो स्टैट्स हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, 1000 से भी ज़्यादा हैं, और यार आज तक इतने स्टैट्स किसी भी पोकेमॉन के नहीं हैं, इवन आरसीएस के भी नहीं हैं।
तो इसीलिए यार ये भी नंबर टू पर डिजर्व करता है। और दूसरा पोकेमॉन है अपना रक्वेजा। रक्वेजा कितना फैन फेवरेट है तुम लोग को पता ही होगा भाई, और कितना स्ट्रांग है ये भी पता ही होगा। यार ये अपने नॉर्मल फॉर्म में ही ग्राउडन और कायोग्रे को साथ में हरा सकता है, तो सोच लो यार इसके पास मेगा एवोल्यूशन भी है, तो मेगा इवॉल्व होने के बाद ये कितना स्ट्रांग बन जाता है तुम लोग समझ सकते हो। तो डेफिनेटली यार ये पोकेमॉन नंबर टू तो रिजर्व करता है। अब आते हैं फाइनली नंबर वन पर। नंबर वन पर आता है म्यू टू। तो यार म्यू टू एक मैनमेड पोकेमॉन है, हम सब लोग को पता है इसको इंसानों ने बनाया है। तो यार इसमें लोग काफी कंपटीशन करते रहते हैं कि रक्वेजा ज्यादा स्ट्रांग है या फिर म्यू टू ज्यादा स्ट्रांग है। तो पहले ही बता दूं भाई, ये पूरी तरीके से मेरा ओपिनियन है कि म्यू टू जो है वो ज्यादा स्ट्रांग है रक्वेजा से, उसके पास भी भाई मेगा एवोल्यूशन है। बाकी यार अगर तुम्हारा ओपिनियन अलग है तुम लोग कमेंट्स में बता सकते हो अगर तुम लोग को लगता है रक्वेजा ज्यादा स्ट्रांग है। तो चलो जो भी हो यार, मेरे अकॉर्डिंग तो म्यू टू सबसे ज्यादा स्ट्रांग लेजेंडरी पोकेमॉन है अब तक का पूरे पोकेमॉन वर्ल्ड में, और यार इसीलिए मैंने इसको नंबर वन पर रखा है। तो फाइनल यार खत्म हो गई हमारी टॉप 50 की इतनी बड़ी लिस्ट। तो फिर बस यार यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर तुम लोग को वीडियो पसंद आई है तो अभी कभी वीडियो को लाइक मारो। आज का लाइक एम है हमारा 5000 लाइक्स का, तो जल्दी से यार वीडियो को लाइक करो, कंप्लीट कर दो हमारा एम 5000 लाइक्स का। और सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लो, और बेल आइकन दबा देना, तुम लोग को डेली ऐसा ही अमेजिंग पोकेमॉन कंटेंट मिलेगा। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है आई एम पोकेट्यूबर, जाके फॉलो कर लेना। और ये रहे हमारे पिछले वीडियो की पोके क्विज विनर, आज की पोके क्विज जिसको भी आंसर पता है भाई कमेंट्स में जाके बता दो। मैं मिलूंगा तुमसे ऐसी किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।